आज का टॉपिक हमारा है स्टैंडिंग वेव्स। आपको बता चुका था जो वो प्रिंसिपल हमने पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके मुताबिक इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स, बीट फिनोमेना, और ये तीसरे नंबर पे ये टॉपिक आ रहा है जिसको हम स्टैंडिंग वेव्स का नाम देते हैं। तो ये हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि डेफिनेशन क्या बनती है कि व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन सच दैट दीज कंबाइन एट अ पॉइंट, कंबाइन एट अ पॉइंट, द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस इन द मीडिया इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। दीज कैन प्रोड्यूस अलॉन्ग द स्ट्रिंग, दीज कैन प्रोड्यूस इन द साउंड वेव्स लाइक इन एयर कॉलम, बाद में डिस्कस भी करते हैं। तो इस तरह अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अच्छा, इनको जहां हम ये नाम दे रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स का, तो इसका एक और नाम भी है, स्टेशनरी वेव्स, ये भी है। वजह जी बनती है कि इसके अंदर मीडिया के अंदर वेव्स ट्रेवल करती हुई नजर नहीं आती, इस वजह से इन्हें स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स का नाम देते हैं, नंबर वन। नंबर टू पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ द मीडिया वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशंस एंड ऑल द पार्टिकल्स आर इन फेज। सारे के सारे पार्टिकल ऑफ द मीडिया जिसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स डेवलप हो गई, वो एक साथ एक्सट्रीम पे आएंगे, एक साथ मीन पे होंगे, एक साथ सेकंड एक्सट्रीम के ऊपर होंगे। तो ऑन दैट बिहाफ ऐसे लगता है कि वो पार्टिकल्स अपनी पोजीशंस पे खड़े हो गए, वाइब्रेट करते हुए ऐसा लगेगा कि ईच एंड एवरी पार्टिकल्स इज वाइब्रेटिंग एंड स्टैंडिंग एट इट्स पोजीशन, लुक लाइक दिस वन। और बेशक उन पॉइंट्स का जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा, कहीं ज़्यादा होता है एम्पलीट्यूड और कहीं कम होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। अच्छा, वो पॉइंट जहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होता है उसको हम एंटीनोड कहते हैं, और जहाँ लीस्ट होता है, मिनिमम होता है या ज़ीरो होता है, तो उसको नोड कहा जाता है। स्टैंडिंग वेव्स के केस में वो नुक्ता, वो पॉइंट जहाँ ऑसिलेशन या वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम, उसको हम नोड का नाम देते हैं, और वो पॉइंट जहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होता है उसको हम एंटी नोड का नाम देते हैं। और हमेशा चंद बातें जो ज़रूरी, हमेशा दो नोड्स के दरमियान में एक एंटी नोड होगा, दो नोड्स के दरमियान में हमेशा एक एंटी नोड होगा, और
ये भी हो सकता है कि अगर एंटीनोड ज़्यादा बन रहे हैं तो दो एंटीनोड्स के दरमियान में नोड भी हो सकता है। जहाँ दो नोड्स के दरमियान में मैंने कहा कि एक एंटीनोड भी होगा, मीन जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होगी, इसी तरह अगर ज़्यादा लूप्स से बन रहे हैं और उस केस के अंदर एंटीनोड्स भी ज़्यादा हैं तो दो एंटीनोड्स के दरमियान में नोड भी ज़रूरी होगा। नेक्स्ट बात, हमेशा दो नोड्स के दरमियान में या दो एंटी नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा दैट इज लैम्डा बाय टू, दैट इज लैम्डा बाय टू। और दो एंटी नोड्स के दरमियान में भी जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय टू। लेकिन कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा दैट इज लैम्डा बाय फोर। अब मैं डिस्कस करता हूं कि हाउ दीज आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दीज आर प्रोड्यूस्ड। अब इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि लेट वी हैव अ स्ट्रिंग, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक एंड पे हमने उसको फिक्स कर दिया, दूसरा एंड फ्री है, और क्या करेंगे इसको इस एंड से पकड़ के वी स्टार्ट विगलिंग। वी हैव अ स्ट्रिंग ऑफ सर्टन लेंथ आपके सामने है, इसको इस एंड से पकड़ते हैं एंड स्टार्ट विगलिंग, तो क्या होगा, ट्रैवलिंग वेव्स विल प्रोड्यूस्ड एंड दीज प्रोपेगेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस, आगे जा रही हैं, ये वही पहले वाली ट्रैवलिंग वेव्स हैं या प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। और क्या होगा, जब इस एंड पे पहुंचेंगी वेव्स तो यहां से रिफ्लेक्शन होगी, यहां से रिफ्लेक्शन होगी, और आपको पता है कि ट्रफ विल चेंज इनटू द क्रस्ट एंड द क्रस्ट विल चेंज इनटू द ट्रफ, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स का फिर आपस में इंटरेक्शन भी होना शुरू हो जाएगा। एक खास फ्रीक्वेंसी पे जाके, एक खास फ्रीक्वेंसी पे जाके यही स्ट्रिंग जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देती है इन अ सिंगल लूप, ये ऑसिलेट करना शुरू कर देती है इन अ सिंगल लूप। तो वही स्ट्रिंग जिसमें शुरू में ट्रैवलिंग वेव्स नंदी बन रही थी ए, और हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके यही स्ट्रिंग जो है दैट मेक्स अ लूप। और अब इवन इफ के हम इस एंड से इसको वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन ये वाली वेव्स नज़र नहीं आती, ये पूरी स्ट्रिंग जो है एक लूप बना के ऑसिलेट कर रही है, और इसका ईच एंड एवरी पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल जो है दैट ऑसिलेट्स एट इट्स मेन पोजीशंस, ये मैं उसको हर हर पार्टिकल्स की बना रहा हूँ बात, कि एवरी पार्टिकल इज नाउ ऑसिलेटिंग विद द सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ का जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और कम होते 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 मिनिमम पे चला गया। इसी तरह सेंट्रल पोजीशन से लेफ्ट पे भी देखते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ईच पार्टिकल इज गोइंग डिक्रीजिंग टिल एंड, जहाँ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो मिनिमम हो जाता है। और इस वक्त वेव्स जो पहली वाला मैंने वेव ऐसे बनाई थी कि ये ट्रेवल कर रही हैं, अब वो वेव्स हमें नज़र नहीं आएंगी, ये जो चीज़ है ये वेव्स ट्रैवल करती हुई हमें नज़र नहीं आएंगी, ये ख़त्म हो जाएगा सिलसिला। और इस वक्त रस्सी की जो वाइब्रेशन है, ये सारी रस्सी एक वक्त में एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर पहुंच रहे हैं, सारे पार्टिकल एक वक्त में मीन के ऊपर वापसी पे, एक वक्त में मीन के ऊपर आएंगे, फिर एक ही वक्त में सेकंड एक्सट्रीम पे आएंगे। इसका मतलब होगा कि ऑल द पार्टिकल्स, ईच एंड एवरी पार्टिकल इज इन फेज, और इसमें वो हमें
वेव्स का ट्रैवलिंग जो है वो नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से हम इन्हें स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं। अब इसमें चंद पॉइंट्स हैं, इसमें एक खास बात होगा क्या जो एक्सप्लेन कर दूं कि जब यहाँ से हमने क्रस्ट प्रोड्यूस किया तो ये क्रस्ट ट्रेवल करते करते जब यहाँ पे पहुँचा, इस एंड पे जो फिक्स्ड एंड है डेंसर मीडिया का रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा एज अ ट्रफ, एज अ। अब जब ये ट्रफ एग्जैक्ट सेंटर पे आती है तो इधर से जो क्रस्ट के पीछे भी ट्रफ होती है वो भी यहाँ पे पहुँच जाती है। तो क्या मतलब, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ गया, सो वी गेट अ लार्ज ट्रफ। लेकिन ये मिलने के बाद, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद, उसी तरह अपनी अपनी डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं विद द सेम स्पीड। ये नहीं होता कि जहां पे आके रुक जाती हैं, फिर हम बैठते हैं, फिर हम गप लगाते हैं, फिर हम समोसे खाते हैं, ये नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि ये इधर से ट्रफ आ रही है, इधर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, और जहां आके मिली तो बड़ी ट्रफ बन गई फॉर एन इंस्टेंट, और उसी तरह अपनी अपनी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए जब एंड्स के ऊपर पहुंचेंगी तो फिर क्या होगा, ये ट्रफ चेंज इनटू द क्रस्ट, और इधर से प्रोड्यूस करने वाले ने भी ट्रफ के पीछे क्या प्रोड्यूस किया, क्रस्ट प्रोड्यूस किया। अब वो दोनों वापस आ रहे हैं, एग्जैक्ट सेंटर पे पहुंचते हैं, और क्रस्ट के ऊपर जब क्रस्ट आता है फॉर एन इंस्टेंट वी गेट अ लार्ज क्रस्ट। इसी वजह से ये सेंट्रल पॉइंट स्ट्रिंग का ये वो पॉइंट है जहां क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, और एज अ रिजल्ट इस स्ट्रिंग का जो सेंटर है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम है, और इससे लेफ्ट राइट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम होता जाता है, और एंड के ऊपर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मिनिमम होता है। इस पॉइंट को हम नोड का नाम देते हैं, ये नोड कहलाता है, ये भी नोड कहलाता है, और वो पॉइंट जहां एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम होता है उसको एंटी नोड का नाम देते हैं। तो नोड वो पॉइंट होगा जहां, अच्छा ये बाद में बताता हूं, मैं सपोज कर रहा हूं कि ये चेंज इन द ट्रैवलिंग वेव्स इनटू द स्टेशनरी वेव्स That has taken place at 10 hertz. Let us suppose 10 hertz के ऊपर ऐसा हुआ है। अब जब तक इस हाथ की फ्रीक्वेंसी 10 hertz रहेगी, ये लूप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, मीन स्टैंडिंग वेव्स आर देयर स्टेबली। लेकिन अगर हम इसको इंक्रीज कर दें फ्रीक्वेंसी को 10 से 11, 12, 13 की तरफ हमने इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, ये लूप फिर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, अगेन वी गेट द ट्रैवलिंग वेव विद हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट वेवलेंथ। और करते 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 एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि यही स्ट्रिंग जो है दैट मेक्स टू लूप्स, यही स्ट्रिंग चेंज इन टू टू लूप्स, और ऐसा कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज होगी, दैट इज 2F1, देन दिस स्ट्रिंग विल ऑसिलेट इन टू लूप्स अगेन। इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर्स, मीन हाथ की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देते हैं 20 से, फिर बढ़ाना शुरू कर देते हैं 21, 22, 23, तो ये लूप फिर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। अगेन वी ऑब्जर्व द ट्रैवलिंग वेव्स अलॉन्ग द स्ट्रिंग, बढ़ाते 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 बढ़ाते, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट वेव्स बिकम्स इक्वल टू 30, 20 से नेक्स्ट बढ़ते बढ़ते जो ही 30 होगी, अगेन वी गेट स्टेशनरी वेव्स इन द फॉर्म ऑफ 3 लूप्स इसी रेंज के अंदर, क्या बन जाएंगे, 3 लूप्स बन जाएंगे, F3 इज इक्वल टू 30 हर्ट्स, दिस इज 3F1, N1, 2, 3,
4 or A1, A2, A3, N for node and A for antinodes, ये बात मैं define भी करता हूँ. अब इस पूरी डिबेट के अंदर फाइनली बात करते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स आर वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी मच क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होगा कि दैट स्टैंडिंग वेव्स टेक्स प्लेस या कम इन टू प्ले एग्जैक्टली एट द फ्रीक्वेंसी विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ये जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं और नेक्स्ट को हार्मोनिक्स कहा जाता है. ये सेकंड हार्मोनिक होगा, ये थर्ड हार्मोनिक होगा, लेकिन सेकंड हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल मीन टू टाइम्स, थर्ड हार्मोनिक इज अगेन इंटीग्रल मल्टीपल दैट इज 3 times एंड 4 times मीन नेक्स्ट 40 पे जाके लूप्स बनेंगे, 4 loops बनेंगे और ये सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रहेगा. इन बिटवीन 1 और 10 के दरमियान में सारी फ्रीक्वेंसीज एब्सेंट हैं, 10 और 20 के दरमियान में सारी फ्रीक्वेंसीज एब्सेंट है, मीन उसके ऊपर स्टैंडिंग वेव्स नहीं बनेंगी. इसी तरह 20 और 30 के दरमियान में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उस पर स्टैंडिंग वेव्स नहीं बनेंगी. और ये जो बिहेवियर है आप देख रहे हैं कि F1 इज अगर 10 है तो F2 जो सेकेंड हार्मोनिक है उसकी 20 है, F3 30 हर्ट्ज़ है, मीन 3 times हो गया F1 का. इसी तरह 40 पे जाके 4 loop बनेंगे, 50 पे जाके 5 loops बनेंगे एंड सो ऑन. ये जो आइडिया है स्टैंडिंग वेव्स के डेवलप होने का, ऑन दैट बिहाफ हम क्या कहते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स आर क्वांटाइज्ड, मीन जो हायर फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं जिन्हें हम हार्मोनिक भी कहते हैं, ओवरटोन का भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, दीज आर ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, ये इसको क्या नाम देते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं. और इसको क्या कहेंगे, सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक. इसे क्या कहेंगे, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन. तो अब वो पॉइंट जहां एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मिनिमम होती है उसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, उसको नोड कहा जाता है. द पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज मिनिमम कॉल्ड नोड, और एंटी नोड पॉइंट वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज मैक्सिमम कॉल्ड एंटीनोड. दो कंजेकटिव नोड्स के दरमियान में एक एंटीनोड होगा, दो कंजेकटिव नोड्स के दरमियान में एंटीनोड होगा, दो एंटीनोड्स के दरमियान में नोड भी होगा, और डिस्टेंस बिटवीन द टू कंजेकटिव नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेकटिव नोड्स या एंटीनोड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2. दो कंजेकटिव नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्डा बाय 2. इसी तरह दो कंजेकटिव एंटी नोड्स के दरमियान में भी ये डिस्टेंस होगा दैट इज लैम्डा बाय 2, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड कंजेकटिव नोड एंड एंटी नोड कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन कंजेकटिव नोड एंड एंटी नोड विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय
फोर नोड और एंटी नोड्स के दरमियान में डिस्टेंस होगा लैम्डा बाय फोर। तो ये है सारा सिलसिला स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। और एक दफ़ा मैं फिर आपको थोड़ा सा स्टार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट वी हैव अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट द वन एंड, फर्स्ट एंड इज फ्री, हम उसको वहाँ से होल्ड करते हैं एंड स्टार्ट विगलिंग, दिस इज कॉल्ड विगलिंग। तो उससे ट्रैवलिंग वेव विल प्रोड्यूस एंड प्रोपगेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शंस। तो शुरू में हमें ट्रैवलिंग वेव्स नज़र आ रही हैं, वो वेव्स इस एंड तक जा रही हैं, वहाँ से वापस आ रही हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और एक स्टेज ऐसी आ गई, सिंस वी गो ऑन इंक्रीजिंग द प्रोसेस ऑफ द विगलिंग, मीन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते 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 एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जिस पे वही रस्सी जो है वो एक लूप बना लेती है। और जब ये लूप बना लेती है तो फिर इसके अंदर वो जो ट्रैवलिंग का आइडिया जो फिजिकली नज़र आ रही होती है कि वेव ट्रैवल करती हुई इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट ऑफ आगे जा रही, वो नज़र नहीं आएगा। इवन इफ वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं, आगे जा रही हैं, लेकिन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स का इस तरह इंट्रैक्शन हो रहा है कि वो रस्सी एक लूप बना के ऑसिलेट करना शुरू कर देती है, जैसे मैंने उसकी शक्ल आपके सामने बनाई है। और इसको आप फिजिकली भी कर सकते हैं, देख सकते हैं स्ट्रेच स्ट्रिंग की मदद से। स्ट्रिंग ले लें, स्ट्रेच स्ट्रिंग रबर का जैसे होता है, रबर का एक पतली सी स्ट्रिप, एक एंड दांत के नीचे दबा दें, एक एंड जो है वो हाथ के नीचे जरा खींच लें और सेंटर से, एग्जैक्ट सेंटर से प्लग करें। यू विल हियर द साउंड एंड यू हियर द लूप एज वेल। तो उस लूप के बनने की फिजिक्स क्या थी कि इधर से जो लेट शॉट में हमने क्रस्ट बनाया वो आगे जा रहा है और यहां पहुंच के उसने वापसी होनी है एज अ ट्रफ। क्रस्ट के पीछे ट्रफ भी होता है, ये ट्रफ भी उसको फॉलो करते हुए एग्जैक्ट सेंटर पे जाके मिल रही। तो एक इंसिडेंट क्रस्ट है, एक रिफ्लेक्टेड ट्रफ है। इंसिडेंट ट्रफ और रिफ्लेक्टेड ट्रफ एग्जैक्ट सेंटर पे मिल रही हैं। तो क्या होगा, सेंट्रल पोजीशंस का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन मिलने का अमल जस्ट ऐसा ही होता है जैसे ये फॉर एन इंस्टेंट ये दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर आए और उसी तरह आगे ट्रेवल कर गए और ये ट्रफ इधर आ रही है, इधर से ये ट्रफ इधर पहुंची, ये एज अ क्रस्ट वापस आ रही है, इधर से भी क्रस्ट प्रोड्यूस हो रही है और एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड क्रस्ट आपस में मिल रहे हैं और सेंट्रल पोजीशंस के ऊपर वी गेट द लार्ज क्रस्ट। और इस कंडीशंस को अगर हम मेंटेन करते हैं, मीन अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते, मैंने सपोज किया था कि 10 हर्ट्ज के ऊपर ऐसा हो रहा है और 10 हर्ट्ज जब तक हम मेंटेन करेंगे ये लूप उसी तरह ऑसिलेट करता रहेगा, हमें कोई वेव्स ट्रेवल करती हुई नजर नहीं आती और हर पार्टिकल अपनी पोजीशंस पे एक साथ जाना और एक साथ नीचे आना। फर्क सिर्फ ये होगा कि एम्पलीट्यूड सेंटर पे ज्यादा होगा, एंड्स की तरफ जाते हुए एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस कम हो जाएगा, लेकिन एक साथ चलना है। इसका मतलब हम लेते हैं कि ऑल द पार्टिकल्स आर इन फेस, एक साथ मीन पे, एक साथ एक्सट्रीम पे, एक साथ सेकंड एक्सट्रीम पे, ये एक साथ मूव करना और ट्रेवल करना, एक साथ मीन पे पहुंचना, एक साथ एक्सट्रीम पे पहुंचना, चाहे एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, तो हम क्या कहते हैं कि ऑल दीज पार्टिकल्स आर इन फेज। तो अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं और अगर हम इसको डिस्टर्ब कर दें, हम इसको बढ़ा दें या कम कर दें, ये लूप फिर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। अब मैं कहूंगा कि मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया, 10, 11, 12, 13 के ऊपर ये डिस्टर्ब हो चुका होगा, अगेन वी गेट द ट्रैवलिंग वेव विद अ हाई फ्रीक्वेंसी और ये ट्रैवल करती हुई जा रही हैं और उसी तरह वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं। तो एक नई कम्बिनेशन डिवेल्प हो रही है, लेकिन कब हो रही है, एग्जैक्ट 20 हर्ट्ज के ऊपर वी गेट टू लूप्स। और टू लूप्स का मतलब होता है कि जहाँ एंटी नोड आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर क्रस्ट है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, इंसिडेंट क्रस्ट रिफ्लेक्टेड क्रस्ट, इंसिडेंट ट्रफ रिफ्लेक्टेड ट्रफ, लेकिन जहां पे
इंसिडेंट अगर क्रस्ट है तो रिफ्लेक्टेड ट्रफ होगी, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर फिर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ है, और वी गेट द लार्ज एम्पलीट्यूड। इसी तरह ये लास्ट पॉइंट है, तो ये 20 हर्ट्ज के ऊपर दो लूप्स बनेंगे, 30 कर दें तो तीन लूप्स बनेंगे, 40 कर दें तो फोर लूप्स बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इन पर्टिकुलर नंबर्स के इन बिटवीन कोई लूप्स नहीं बनेगा, कोई स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव्स नहीं होंगी। और ये बिहेवियर जो स्टैंडिंग वेव्स शो करती हैं, इस बिहेवियर को क्या कहा जाता है, से कहा जाता है कि स्टैंडिंग वेव्स आर क्वांटाइज्ड, मीन दीज टेक्स प्लेस एट अ वेरी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। और जो हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिन्हें हम हार्मोनिक्स का नाम देते हैं, दीज आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर F1 10 है तो फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मीन सेकेंड हार्मोनिक 20 है, थर्ड हार्मोनिक 30 है, फोर्थ हार्मोनिक 40 है। तो इसको जनरलाइज कर दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स आर क्वांटाइज्ड, स्टैंडिंग वेव्स आर क्वांटाइज्ड, दैट इज द हायर फ्रीक्वेंसीज या जिन्हें हम हार्मोनिक्स भी कहते हैं, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज Fn इज इक्वल टू NF1, यहां फिर लिख रहा हूं Fn इज इक्वल टू NF1, n इंटीजर है, F2 is 2F1, F3 is 3F1, F4 is 4F1, 10, 20, 30, 40 and so on. ये हैं बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स। अब जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडिंग और स्टेशन वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। वी हैव अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, और प्रैक्टिकली क्या होती है, एक रबर की पतली सी स्ट्रिप लेते हैं, जैसे ये बच्चों का रबर बैंड होता है, तो आप रबर बैंड ही उसको जो है ना स्ट्रेच स्ट्रिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी डिस्कशन में हम उसको इस तरह बना रहे हैं कि जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसको हमने दोनों एंड से फिक्स कर दिया, जरा सा खींच भी लिया ताकि उसमें टेंशन भी आ जाए, और अब हमने उसको स्ट्रेच करना है, सॉरी उसको प्लग करना है, किधर से, एग्जैक्ट सेंटर से हम प्लग करते, एग्जैक्ट सेंटर से हम इसको प्लग करते हैं। लेट ये सिचुएशन है, हमने ऐसे खींचा, और खींचने के बाद अब क्या करते हैं, इसको फ्री करते, खींचा छोड़ दिया, क्या होगा कि ये चेंज, एक डिस्टर्बेंस, एक ट्रफ इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इस एंड के ऊपर पहुंच के ट्रफ विल चेंज इनटू द क्रस्ट। ये क्रस्ट इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, एंड अगेन दी विल कंबाइन एट द सेंट्रल पॉइंट, और ये स्ट्रिंग जो है दैट विल शो द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट द मिड पॉइंट, दैट विल शो द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। लेकिन जहां मिलना इसी तरह है, जैसे मेरे हाथ का इशारा है, ये आप देखते हैं कि फॉर एन इंस्टेंट ये हाथ के ऊपर हाथ होगा, और उस वक्त एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम हो जाती है, और फिर उसी तरह ये क्रस्ट इधर आ रही है, ये क्रस्ट इधर चली जाएगी, इस सेंट पे पहुंचेगी, वापस आएगी एज अ ट्रफ, फिर जहां मिलेंगी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, मिलने के बाद फिर उसी तरह वापस जा रही है, अपने एंड्स की तरफ जा रही है, जहां से वापस आ रही है एज अ क्रस्ट। तो ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा टिल ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है दैट इज ऑसिलेटिंग इन अ लूप।
ये आपके सामने मैंने लूप बनाया, ये नोड कहलाता है, ये पॉइंट ये भी नोड कहलाता है, और इन दो नोड्स के दरमियान में ये एंटी नोड कहलाता है, ये पॉइंट, और आपको पता है कि ये लेंथ है, और ये लेंथ लेमडा की सूरत में लेमडा बाय टू के बराबर है। सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ जो वेवलेंथ है, वी सी दैट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू फॉर वन लूप लेंथ इज लेमडा बाय टू, जहां से लेमडा जो है दिस इज 2L. We know that V is equal to F lambda. F is V by lambda. So this is F1. चूंकि एक लूप है इस वजह से इसको F1 कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं. This is V by 2L. Lambda 2L के बराबर है, इसकी वैल्यू जहां पुट कर दी, और ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। इसमें सिंस वी वेलोसिटी ऑफ द वेव्स अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन इनटू लेंथ बाय एम टोटल मास ऑफ द सेगमेंट, इस पे डिपेंड करती है। V speed of the waves along the string is equal to T for tension, L for length, M for mass of this string. इसको अगर हम चेंज कर दें इस इक्वेशन में, मैस टोटल मैस जो है उसको लेंथ पे डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू टी बाई एम स्मॉल, वेयर एम क्या चीज़ है, कॉल्ड मैस पर यूनिट लेंथ। एम स्मॉल इज द मैस पर यूनिट लेंथ, मीन एक मीटर की, एक मीटर जिस अगर हम स्ट्रिंग लेते हैं तो उसकी मैस कितनी होगी, तो देयरफॉर एफ वन इज इक्वल टू 1/2L टी बाई एम। ये वो फार्मूला होगा जो प्रैक्टिकल्स के अंदर इस्तेमाल होता है जब हम स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग का प्रैक्टिकल्स करते हैं, और ये प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर के अंदर होते हैं, तो इसलिए ये फार्मूला जो है इस्तेमाल होता होगा वहाँ पर होगा। अब अगर हम इसको 1/4 पोजीशन से प्लग करते हैं, ये एग्जैक्ट सेंटर है, और एग्जैक्ट सेंटर से इधर 1/4 पोजीशन है, ये यहाँ से अगर हम इसको प्लग करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ दो लूप्स बनेंगे, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चेंज इनटू लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू। सो वी कैन से दैट फॉर टू लूप्स वी कैन राइट के लेंथ जो है वो किसके बराबर है, लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू, दिस इज लेमडा। V इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ इज V बाई लेमडा, दिस इज V बाई एल, एंड कैन बी रिटन एज एफ टू। नाउ दिस इज F जो है इस वक्त जो कोई दो लूप्स बनना है इसलिए इसको F2 कहा जाता है, दैट इज सेकेंड हार्मोनिक है। दिस इज V by L. This can be written as 2V by 2L. This is 2F1. This is 2F1.
मीन ये हम मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया हमने कि जब दो लूप्स बनेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम सेकंड हार्मोनिक का नाम दे रहे हैं वो F1 से डबल होगी. दिस इज मैथमेटिकली प्रूव्ड के सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से डबल होगी, दैट इज 2 times. सिमिलरली फॉर 3 loops यकीनन इसको हमें 1/6 पोजीशंस से हम इसको प्लग करते हैं और ये 3 loops बनाते हुए ये स्ट्रिंग जो है वो ऑसिलेट करती है. सो दिस इज़ द लेंथ λ/2, λ/2 और λ/2. तो जब 3 loops बन रहे होंगे तो फिर लेंथ जो है λ/2 + λ/2 + λ/2, दिस इज 3λ/2, देन लेमडा इज इक्वल टू 2L/3. सिंस v इज इक्वल टू f λ, f इज v/λ, तो लेमडा की अगर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं तो क्या लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू v/2L डिवाइड हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ब्रैकेट में v/2L इज इक्वल टू 3F1, दिस इज F3, दैट इज थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल से 3 times ज़्यादा है. तो ये हम मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया हमने कि जिस बात को हम पहले थ्योरेटिकली कर रहे थे कि 10 Hz पे अगर 1 loop बनेगा तो 20 पे 2 बनेंगे, 30 पे 3 बनेंगे, 40 पे 4 बनेंगे, तो उस बात को हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि हाँ जब 2 loops बनेंगे तो फ्रीक्वेंसी F1 का डबल होगी, 3 बनेंगे तो 3 times होंगी, इसका मतलब है कि 4 बनेंगे तो 4 times हो जाएगी. और जनरली हम क्या लिख सकते हैं, तो इन जनरल Fn इज इक्वल टू NF1, इन जनरल Fn इज इक्वल टू NF1. हार्मोनिक्स आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और वो जो फार्मूला है अगर उस लिहाज से देखा जाए तो 1/2LT/m अंडर रूट, और यहाँ पे n आ जाएगा कि कितने लूप्स बने हैं, ये भी फार्मूला हो सकता है कि अगर 1 loop की बजाय 2 तो यहाँ पे n2 हो जाएगा, अगर 3 loops बने हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और हम फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल सकते हैं इस तरह.